हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर चैनल जीनियस गुरु। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे आप अनलिमिटेड आर्टिकल्स जो है अपने ब्लॉग या वर्डप्रेस वेबसाइट या फिर कह लो पेड फॉर आर्टिकल्स पे कहीं पे भी यूनिक आर्टिकल्स ला सकते हैं। दोस्तों मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कैसे आप ओनली टाइटल्स डाल के पूरा आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, वो भी बहुत सारे एक एक दिन में अनलिमिटेड आर्टिकल्स। आई मीन जितने आप चाहो उतने आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हो, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है। दोस्तों जैसे कि मैं ऑलरेडी अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि आर्टिकल्स लिखना ही सब कुछ नहीं होता, उसे रैंक कराना भी पड़ता है, ठीक है। तो आर्टिकल पब्लिश करने से भी कोई फायदा नहीं है। फिर आप कहते हो पेड व्यूज नहीं आ रहे, ट्रैफिक नहीं आ रहे, ये सब इसी वजह से होता है क्योंकि आप ओनली कंटेंट राइटिंग पे ध्यान देते हो, उसे रैंक कराने पर नहीं देते हो। तो फिलहाल विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट। उससे पहले दोस्तों मैं आपको सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। सो बेसिकली उस वेबसाइट का नाम खुला हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और मैं अभी अभी एक आर्टिकल्स राइट किया है यहाँ पे जो आपको दिखा दूँ, और पेड फॉर आर्टिकल्स के फर्स्ट पेज में ही वो रैंक हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये आप देख पा रहे हैं गाइस, यहाँ पे दोस्तों ये वाला आर्टिकल्स मैंने अभी अभी राइट किया है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क, ठीक है। तो ये मैंने अभी अभी राइट किया है, एक हिट्स भी इस पे आ चुका है, और यहाँ पे देखिए विपिन कुमार नेम, और आप यहाँ पे टाइम भी देख पा रहे होंगे 8:27, ठीक है। तो अभी ये इतना टाइम हो गया बिकॉज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया इसे अपडेट किए हुए। तो फटाफट से गाइस ये देख लीजिए, मैं और पूरा दिखा दे रहा हूँ आपको व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। एंड ये गाइस मैंने यहाँ पे पूरा ये के रखा है ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, और ये देखिए यहाँ पे अगर मैं चेक प्लेगरिज्म करता हूँ तो 100% यूनिक है, एंड देन यहाँ पे चेक ग्रामर करता हूँ तो ये भी कोई मिस्टेक नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी अपडेट मैंने कर रखा है यहाँ पे। और ये भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सबमिट का बटन जो है वो हाईलाइट हो गया। अब गाइस मैं आ जाता हूँ अपने उसी डैशबोर्ड पे जहाँ पे मैंने आपको पहले दिखाया था, फॉर एग्जांपल ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अभी अभी आर्टिकल ये वाला राइट किया था, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। यही आर्टिकल्स मैंने अभी अप्रूव किया है, और ये वाला जो फोटो गाइस था ये मैंने अभी डाउनलोड किया है, ये देखिए लाइव प्रूफ में आपको सब कुछ दिखा रहा हूँ। अब गाइस चलते हैं कि आप लोगों ने ये सब कैसे करना है, ठीक है। तो फर्स्टली आप लोगों ने यहाँ पे अपना एक अकाउंट इस पे बना लेना है, लिंक में इसकी डिस्क्रिप्शन में गाइस डाल दूंगा, वहां से आप आ सकते हैं। सो जब आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे, सिंपली आप लोगों ने कोई यहाँ पे टाइटल लिख देना है। अब गाइस मैं आपको ट्रेंडिंग टाइटल बता दूं, आप हमेशा फाइनेंशियल कंटेंट लिखा कीजिए, वहां पे हमें सीपीएम हाई मिलता है फाइनेंशियल कंटेंट जितने भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्रिप्टो करेंसी का गाइस डाला था, ऐसे ही आप कोई सा भी डाल सकते हैं। अब जैसे कि मैंने अभी लिखा था व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, सो गाइस आप लिख सकते हैं व्हाट इज बिटकॉइन, ठीक है, और इसका यूज़ क्या है। फॉर एग्जांपल जब हम YouTube पे गूगल पे व्हाट इज़ बिटकॉइन लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे गाइस आप लोगों के जो कंटेंट है वो यहाँ पे सजेस्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए व्हाट इज़ बिटकॉइन एंड हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे डालेंगे तो ये वाला जो कीवर्ड है ये वाला, ठीक है, ये वाला कीवर्ड है ये गूगल में सर्च रैंक कर रहा है कहीं ना कहीं, तो हम सिंपली इस कीवर्ड को उठा लेंगे यहाँ से। और गाइस देखिए मेक श्योर, एक ऑनलाइन ऑफलाइन SEO भी होता है जिसे हम करें तो हमारा जो आर्टिकल होता है वो बहुत अच्छे से रैंक करता है। तो सिंपली मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में, एंड गाइस सिंपली मैंने यहाँ पे वही आर्टिकल एज इट इज़ पेस्ट कर दिया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पे राइट आर्टिकल पे क्लिक करूँगा, और गाइस जो मैंने पहले क्रिप्टो करेंसी वाला लिखा था ये देखिए यहाँ पे इसका प्लेगरिज्म मैंने चेक किया था, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ ये गया, यहाँ पे देखिए 80% यूनिक था एंड 20% तो कहीं ना कहीं से थोड़ा तो मिल ही जाता है, और ये फ्री के टूल्स हैं तो ये कभी भी सही नहीं बताती, ये एलमोस्ट मैं आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो यहाँ पे ये इस टाइप का कुछ सेकेंड्स या परसेंटेज कह लो ये यहाँ से रन होने लगेंगे, देन हमें थोड़ा वेट करना है जब तक ये पूरा राइट ना हो जाए, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं गाइस। जब ये पूरा हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके का हमें नोटपैड में फाइल देगा, यहाँ से हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल्स जो अभी डाउनलोड करी हैं ये देखिए, मैं एक यहाँ से डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ गाइस, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड कॉर्नर में यहाँ पे आ गया डाउनलोड होके। अब जब मैं इसे ओपन करूंगा तो ये देखिए इस टाइप का कुछ बहुत बड़ा गाइस यहाँ पे लिख के हमें कंटेंट देता है, पूरा लिखा है व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क, जो पहले वाला था अभी वो वाला हमारा ऑटोमेटिक राइट हो रहा है गाइस। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, 2 मिनट में गाइस ये राइट होता है, बस आपको इसे टाइटल बताना होता है। एक बात बताओ यार, अभी तक अगर वीडियो को अच्छा लगी हो, आपको यूजफुल लगा हो, तो सब
सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज कोई बात नहीं है, क्योंकि इस चैनल में आपको डेली ट्रिकिंग वीडियोस लाता हूँ, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ब्लॉग से रिलेटेड एंड पेड फॉर आर्टिकल से रिलेटेड आपको सारी वीडियोस इस चैनल पर मिलती जाएंगी। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों ने कमेंट करना है और आपको दूसरे दिन उसकी वीडियो मिल जाएगी। बिकॉज मुझे सबसे पहले रिसर्च करनी पड़ती है और मैं ज़्यादातर ट्राई करता हूँ गाइस आपको बेस्ट वैल्यू, इन्फॉर्मेशनल वैल्यू प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इस वजह से ये चैनल स्पेशली मैंने क्रिएट किया है और हमेशा आपको इस चैनल पे वैल्यूएबल कंटेंट मिलते रहेंगे। सो गाइस एज यू कैन सी हमारा यहाँ पे एक आर्टिकल लिख के रेडी है और अगर हम यहाँ पे इसे डाउनलोड करते हैं तो ये हमारा नोटपैड में ये देखिए सिंपल से डाउनलोड हो गया। आप ये देख पा रहे होंगे कितना गाइस एकदम बिल्कुल यूं लग रहा है कि आपने अपने हाथों से ये राइट किया है। और जब आप इसे वेरीफाई करेंगे, हमें लिख के देखेंगे, तो बहुत अच्छा तरीके से ये SEO 100% होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसे कस्टमाइज़ करना है और गाइस जो मैं बात कर रहा था ऑफलाइन पेज SEO की, तो चलिए वो भी मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले इसे कस्टमाइज़ करने में गाइस थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, तो आप इतना तो जानते होंगे, तो मैं सिंपली फटाफट से ये करके आपको दिखा दे रहा हूँ। और जो यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद जो सोर्सेस वगैरह होंगे ये आपको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देने हैं, ठीक है। यहाँ से सारे सोर्सेस गाइस यहाँ से डिलीट कर देने हैं, तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी से सोर्सेस सारे डिलीट कर देता हूँ। चलिए इतना आर्टिकल्स मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम लग जाएगा और मुझे क्या आपको ओनली समझाना है, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया और गए हम फटाफट से पेड फॉर आर्टिकल्स के डैशबोर्ड पे एंड देन यहाँ पे मैं करता हूँ एड आर्टिकल, ठीक है। एंड देन वही आर्टिकल सेम टू सेम एज इट इज़ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब गए जो मैं ऑफलाइन पेज SEO बता रहा था उसमें आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, उसमें ये फ़ायदा होगा गाइज वो गूगल में ऑटोमेटिकली रैंक होगा, ठीक है, क्योंकि आपने गूगल के सर्च ट्रेंड्स में से जो आपका टाइटल था वो लिया है। फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारा टाइटल था, सॉरी ऊपर लिखा होगा ये वाला, ये हमारा जो टाइटल है ये गूगल के सर्च रैंक में था, इस वजह से इस पे हमारा आर्टिकल रैंक भी कर सकता है। यहाँ पे सिंपली आप बिजनेस चूज करोगे एंड देन यहाँ समरी में जैसा कि आप करते आए हो पहला पैराग्राफ हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे इसे एज इट इज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और मेक श्योर गाइस एक्स्ट्रा कोई पार्ट नहीं रहना चाहिए। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पे गाइस क्वेश्चन मार्क वाला जरूर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे वॉट लिखा है एंड वॉट हु हाउ कैसे टॉप 10 इस टाइप की गाइस टाइटल ये पेड फॉर आर्टिकल सपोर्ट करता है इनके अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। और यहाँ पे गाइस इसे जो एक्स्ट्रा अनवांटेड स्पेस है ये हम यहाँ से डिलीट कर देंगे एंड यहाँ से भी गाइस डिलीट कर देंगे। मैं पूरा आपको लाइव सबमिट करके दिखाऊंगा ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। देखिए वीडियो बेशक लॉन्ग हो जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बट अगर इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोवाइड हो और आपको किसी यूज़ में आई हो तो वो ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है। और गाइस मेक श्योर आपका ग्रामरली एक्सटेंशन इंस्टॉल होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है। तो ये ग्रामरली एक्सटेंशन से ये है कि हमारा जो भी थोड़ी हल्की पूरी मिस्टेक्स हैं वो हम ईजिली से यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अंडरलाइन जो दिखा रहे हैं ये से हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली और थोड़ा सा रह गया, मैं पूरा इसे कस्टमाइज़ गाइस कर दे रहा हूँ धीरे धीरे। सो गाइस एज यू कैन सी मैंने पूरा ये कस्टमाइज़ कर दिया। अब बात करते हैं ऑफलाइन SEO की। सबसे पहले तो मैं इसे हेडिंग को हेडलाइन वन में कर देता हूँ एंड इसे सेंट्रलाइज कर देता हूँ। और पूरा गाइस आप लोगों ने क्या करना है, पूरा ये सिलेक्ट करके, सॉरी यहाँ से ये मैं पूरा सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे और करके ये पूरा सिलेक्ट करके दोस्तों आप लोगों ने ये जस्टिफाई कर देना है, ठीक है। यहाँ पे होगा जस्टिफाई ये, तो ये पूरा स्पेस है जो हमारा पूरी लाइंस में आ जाएगा। एंड देन अब आप लोगों ने मेन वर्क गाइस क्या करना है, सॉरी ये और रेड लाइंस थी, मेन वर्क गाइस क्या करना है कि आप लोगों ने पैराग्राफ पढ़ने हैं, ये वाले पैराग्राफ, ठीक है। देखिए ये वाले पैराग्राफ, अब आप लोगों ने बताया व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, आप लोगों ने उसी पर जाना है जहाँ से हमने अपना जो है आर्टिकल उठाया था। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से आर्टिकल उठाया था। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा है हाउ डज इट बिटकॉइन मेक मनी, ठीक है। तो यहाँ के जितने भी ये होंगे सोर्सेस, इन्हें आप अपनी लैंग्वेज में वहाँ पे लिख सकते हो इस कीवर्ड पे, ठीक है। एक आप हेडिंग 2
टू बनाओगे और इस कीवर्ड पे आप एक हेडिंग टू में ये डालोगे एंड देन उससे रिलेटेड आप यहाँ से आइडिया लेके यही अपने आर्टिकल में मेंशन कर दोगे। एंड जितने भी ये कीवर्ड्स हैं इन पे गाइस ऑफलाइन एसईओ इसे कहते हैं कि आप इन कीवर्ड्स पे इनकी वैल्यू प्रोवाइड कीजिए और काफ़ी अगर आपकी वैल्यू इन शॉर्ट इन कीवर्ड से अच्छी इन्फॉर्मेशनल हुई और यूज़र उस पर टाइम स्पेंड करता है अपना, तो डेफिनेटली आपका जो ये वाला आर्टिकल जो है गूगल की सर्च रैंक में रैंक करेगा। और देखिए बहुत सारे आपके पास यहाँ पे आ गए हैं और भी आपको अगर कीवर्ड चाहिए तो ये भी हैं, ठीक है, ये भी कीवर्ड्स पे आप काम कर सकते हैं अपनी आर्टिकल्स में, इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट पूरा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब गाइस बात अब चलते हैं अपने आर्टिकल्स की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पिक्चर और लगानी है तो हम यहाँ से पिक्साबे से, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है पिक्साबे से गाइस बिटकॉइन की जो है एक पिक्चर डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बिटकॉइन डाल के सिंपली मैं सर्च कर लूँगा तो देन आफ्टर हमें कोई वर्टिकल सा इमेज यहाँ पे उठाना है, फॉर एग्जांपल ये वाला देख लेते हैं, ठीक है, ये वाला, वेरी गुड। तो यहाँ पे सिंपली मैं फ्री डाउनलोड पे क्लिक करूँगा एंड मेक श्योर मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ आपको कम केवी वाला ही डाउनलोड करना है एंड उसे सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करके यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमारा वो डाउनलोड हो जाएगा। चलते हैं फटाफट से अपने आर्टिकल में एंड चूज फाइल पे करके हमें वही यहाँ पे सेट कर देना, फॉर एग्जांपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और ये हमें सिंपली यहाँ पे सेट कर देना। अब मैसेज टू रिव्यूअर को गाइस मैंने ऑलरेडी एक मैसेज टाइप करके रखा है और नहीं तो आप भी अपना लिख सकते हैं, जैसे हेई रिव्यूअर, आई रेगुलरली राइट यूनिक एंड हाईली वैल्यूएबल कंटेंट ऑन योर साइट, प्लीज़ सपोर्ट मी फ्रॉम योर साइट फॉर एवरी टाइम। आई मीन कभी भी आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप इनकी नज़रों में आ जाओ कि भाई ये बंदा हमारी साइट पर बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं तो हमें इसकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे वो एज इट इज़ पेस्ट कर दूंगा एंड देन हम करेंगे चेक प्लेजियम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं जैसे कि आप भी करते हो, तो यहाँ पे हम फटाफट से चेक कर लेते हो। तो वाई गॉड यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हमारा एरर आया, ठीक है। नीचे चलते हैं, ये वाला हमारा कंटेंट जो है एग्जाम वाला निकला है तो इसे हम सिंपली यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग पूरा पढ़ लीजिए आप। अब सिंपली और नीचे चलते हैं एंड आप करते हैं चेक ग्रामर, ठीक है। जो भी आपका एरर आएगा इस मेक श्योर उसे आपको रिमूव कर देना या उसे सही करना है। अब देखिए मेन एरर आप लोगों को यहाँ पे आता होगा। अब आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि एंड एंड पे अगर आप अपना कर्सर जो है वो स्टॉप करोगे तो सिंपली यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको यूज ए कमांड बिफोर एंड इफ़ इट कनेक्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ये सही कर लेना है एंड यहाँ पे देयर। तो मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज करता हूँ, मैं ये पूरा करेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए जब आप स्टॉप करते हो कर्सर तो यहाँ पे सब कुछ विद प्रॉब्लम्स के दिखा देता है। एड ए स्पेस बिटवीन सेंटेंसेस सजेशन द देयर, मतलब वर्क एंड ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है और देयर इसमें स्पेस नहीं है, ठीक है। मतलब आप अपनी एरर पे अपना कर्सर जो है वो स्टॉप करोगे तो आपको एरर डेफिनेटली शो होगा। तो मैं ऐसे ही जितने भी एरर मुझे शो हो रहे हैं मैं सबसे पहले तो उन्हें अच्छे से कस्टमाइज कर लूँ, उसके बाद गाइस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। सो गाइस एज यू कैन सी कुछ मिस्टेक्स हमने यहाँ पे एरर जो आ रही थी ग्रामरली हमने कुछ मिस्टेक यहाँ पे सही कर ली हैं। अब हम फिर से चेक ग्रामर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो फटाफट से फिर से देख लेते हैं, अगर थोड़ा बहुत एरर होगा तो उसे भी फिर से करेक्शन करके फिर उसे कर देंगे। तो यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है गाइस, ये देखिए यहाँ पे। सो गाइस नाउ हमारा सबमिट बटन जो है वो हाईलाइट हो चुका है फाइनली, ठीक है। तो इस इतने प्रोसेस में आई होप आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब पूरा हमने आपको बिल्कुल लाइव प्रूफ करके अच्छे से दिखा दिया है, अब इसे हम सबमिट कर देते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद ये हमारा आर्टिकल्स अप्रूव्ड हो गया और ये देखिए पब्लिश भी हो गया, ठीक है। तो अब हम इसे व्यू करते हैं तो ये देखिए कुछ इस तरीके का हमारा आर्टिकल्स बन के रेडी हुआ है। और जो हमने आपको हाइलाइट वगैरह बताए हैं, जो कीवर्ड बताए हैं और जो हेडिंग्स वगैरह करके आप पैराग्राफ करके इनमें से बीच में इसमें से आई मीन कहीं पे फुल स्टॉप आ जाता है वहाँ पे बीच से पैराग्राफ करके, मतलब एक डेकोरेशन, अब तो आप समझ ही चुके होगे एक डेकोरेशन टाइप वगैरह बनाने के लिए मेरा डेमो अकाउंट वगैरह मैं बनाता रहता हूँ इस वजह से गाइस मैं आपको बताता हूँ इन पे। तो यहाँ पे आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा वीडियो प्लीज़ यार हमें सब्सक्राइब करके जरूर बताएं और कमेंट जरूर करें यार, और हमें नेक्स्ट वीडियो भी सजेस्ट करें कि किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो होनी चाहिए, कहाँ आपको इश्यू आ रहा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गए जय हिंद एंड बाय बाय। और हाँ दोस्तों खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो।